आज 13 जिला अनुसूचित जिला के धन्यवाद देना देंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और हमारे मंत्री महोदय हमारे बीच उपलब्ध हैं। आप लोग कृपया बैठ जाइए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और एक बार बुलंद आवाजों में कहिए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, अरे हमारा मुखिया कैसा हो, राज्य के मुखिया हम सबके चहेते नेता दादा हेमंत सोरेन जी और तमाम विधायकों का मंच पर पदार्पण हो चुका है, इसलिए आप सबों से गुजारिश है, निवेदन है, आप बैठ जाएं। माल्यार्पण का कार्यक्रम जैसे ही खत्म होता है हम फिर आगे कार्यक्रम को ले चलेंगे। हमारे सभी साथी जिला से आए हुए सभी शिक्षक साथी अपने राज्य के मुखिया, सितंबर 2020 का दिन जब हमारा जजमेंट आया था, जब हमारा जजमेंट आया था 21 सितंबर 2020 का दिन, दोस्तों उस दिन उच्च न्यायालय से 13 जिला के शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 13 जिला के शिक्षक शिक्षिकाओं के परिवार और उसके शुभ चिंतकों के एक मायूसी थी और उस मायूसी में अगर कोई रोशनी नजर आ रही थी तो हमारी सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को खड़ा करके करोड़ों रुपया हमें बचाने के लिए खर्च किया है, सर हम जीवन भर आपका आभारी रहेंगे, हम आपके सरकार का आभारी रहेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, महोदय का एक सपना है कि राज्य में 80 विद्यालय एक्सेलेंस स्कूल में चयन हुआ है। चारों तरफ चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सिपाही हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जो सरकार के लिए काम करते आ रहे हैं, उनको अजीबो गरीब उलझनों में डालता रहा। हमारा जेपीएससी हो, हमारा जेसीसी हो, उन सभी जगहों में पता नहीं ऐसी कौन सी उसमें बेताल बैठ गया था कि यहाँ के नौजवानों का भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। जब तब चीजें कोर्ट कचहरी में जाकर के फंस जाती और वहीं पर सरकार औंधे मुंह गिर जाती थी, कहीं सरकार टिक नहीं पाती थी। लेकिन आपकी इन परेशानियों को मैं अपनी परेशानी समझते हुए इस पर काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो विगत 20 वर्षों में सरकार
हर केस कोर्ट में हारती थी, अभी ये सरकार ने हर केस जीतने का काम कोर्ट में किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हेमंत सोरेन जैसा हो, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहां जो विगत 20 वर्षों में लोगों ने काम किया वो यहां के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यहां के नौजवान, यहां के आने वाली पीढ़ी, यहां के हमारे किसान मजदूर, चाहे वो कार्यपालिका में काम करने वाला रोज हमारा कर्मचारी हो, चाहे सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे कोई अनुबंध कर्मी हो, सबके साथ सभी लोग इतने परेशान रहे हैं। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम पुराने मकड़ जाल को में ही उलझे रहेंगे कि राज्य को कोई दिशा और दशा दिया जा सकता है। लेकिन जिम्मेवारी राज्य का मुखिया होने के नाते मुझे राज्य को आगे भी दिशा और दशा देने का काम करना है, और राज्य के अंदर जो व्याप्त 20 वर्षों का मकड़ जाल को भी कुतर कर फेंकने का काम करना था। इसी क्रम में आज आप लोग गवाह हैं, आप सब लोग इसके साक्षी हैं कि किस तरीके से गलत नीति के वजह से आपको इतने दिनों का संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।